नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स आने के बाद पूरे देश के कई हिस्सों में छात्रों ने आंदोलन किए थे, कई हिस्सों में प्रदर्शन देखा गया था और बिहार में भी छात्रों ने किस तरीके से रिजल्ट्स में जो गड़बड़ी हुई थी उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उसकी तमाम वीडियोज हमने आपको दिखाई थी। छात्रों की बात को सुनने के लिए, उनकी बात समझने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी सामने आई है आपको विस्तार में पहले वो बताते हैं। रेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी ने एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट और ग्रुप डी परीक्षा को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उम्मीद की जा रही है कि कमेटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला लेगी, इसका निर्णय जल्द लिया जाएगा। इसके बाद आगे की परीक्षाएं भी होंगी। इधर रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार बढ़ाने और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा एक बार लिए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में पकड़े गए अभ्यर्थियों का अभी तक बेल नहीं की गई है, तो वहीं शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी भी समाप्त फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि इसे वापस करने की बात कही गई थी। छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने 26 जनवरी को 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने देश भर में सभी आरआरबी में जाकर अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, इनकी समस्याओं को सुना था। रेलवे की ओर से अभ्यर्थियों से ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे। ये आवेदन 16 फरवरी तक लिए गए थे। रेलवे के करीब 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के बाद कमेटी को सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनाकर 4 मार्च तक रिपोर्ट जमा करनी थी। तो वहीं इस कमेटी में शामिल आरआरबी के कार्यपालक निदेशक, स्थापना और सदस्य सचिव राजीव गांधी ने बताया कि मंत्रालय को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है, इस पर मंत्रालय को अब फैसला करना है। कमेटी ने अभ्यर्थियों की समस्याओं के अनुसार बिंदुवार रिपोर्ट तैयार कर उसे आगे सौंप दिया है। रेल मंत्रालय के अगर सूत्रों की माने तो एनटीपीसी स्नातक स्तरीय रिजल्ट में सुधार करते हुए इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी, सीट के बीच गुना रिजल्ट की दिया जाएगा। करीब 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाने वाला है। इसके अलावा ग्रुप डी की परीक्षा को सिर्फ एक बार कराने की संभावना है, हालांकि छात्रों की संख्या अधिक है, इसी वजह से मंथन किया जा सकता है। जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद जो छात्र है वो काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। छात्रों ने कई तरीके से प्रदर्शन किए थे जिसके लिए उन्हें लाठी डंडे तक खाने पड़े थे, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनकी बात सुनी और उनकी बातें समझी जाए और छात्रों को उनके हक का न्याय मिले, इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। इसीलिए अब जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, इस रिपोर्ट से छात्र जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ये छात्र इस उम्मीद में बैठे हैं कि जो रिपोर्ट है जब उसे देखा जाएगा, समझा जाएगा, तो जिस न्याय के लिए वो इंतजार कर रहे हैं वो न्याय उनके हक में आखिरकार आ ही जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है और जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बाकी की वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।